अरे गांव में रहो तुम, बारिश में रहो, काम करो ना करो उतनी। कल रात से हमारे यहाँ आपने कौन सा रूप ले लिया ये? 60 और 63 साल का हूँ मैं। अच्छा ए चाची, अरे भाल लगो। पूरे पैर ऐसा हो गया मोटा खतरनाक। बल जब घर गया ना हाँ। तब होना मन मन क्यों खोल खोल ब्लॉग ना हाँ। आप रारी मैं ते कब जालो। अशोक वाटिका है, उसके ठीक नीचे बैठे हुए हैं। ये कहीं हमारे पहाड़ के लोग इसे अभी कच्चा ही काट रहे हैं। ये सब बर्बाद हो गया ना, सब बर्बाद हो गया ना। सुबह से शाम को गुस्सा चढ़े रहते हैं। जय हो माँ मठियाणा की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पाए लागो, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक है आप लोग के सामने। तो दोस्तों, जो आज की ब्लॉग की शुरुआत है वो हो रही ठीक 8 बजे से। तो आप सभी का पुनः दिल की गहराई से स्वागत है मेरे यूट्यूब परिवार में। तो चलिए दोस्तों, आज भी चले हम अपने जंगलों की ओर। लेकिन आज हो रही है यहाँ पर रात से ही घना घोर बारिश। तो दोस्तों, ऐसे में ना जंगल जाने में थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि पहाड़ जो एकदम फिसलन हो रखे हैं। ये हमारी भाभी जी। हेलो भाभी जी। Hello. कैसे हो आप? ठीक हो यार। तो चलिए दोस्तों, मिलाते हैं आप सभी को पहाड़ी लोगों से। और मौसम के तो मैंने हालचाल बता ही दिए हैं ना, धूप है, बारिश तो है भाई, आज मौसम बराबर नहीं है भाई। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहुँच गए मेरे पहाड़ की महिला। हेलो बड़ी। हेलो, कैसे हो आप? ठीक है। और सब बढ़िया? बस बढ़िया। आज बारिश में कैसा लग रहा है? वो अच्छा। अच्छा, हेलो भाभी जी, आज गुम सुम क्यों? ऐसे ही ठंड के कारण। हेलो भाभी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? ठीक हो? सब बढ़िया। आज तो आपने कौन सा रूप ले लिया ये? ये तो है, ये तो बिल्कुल ही हो गया भाई। ये हमारे, हेलो भाभी, कैसे हो आप? बढ़िया। और सब, हाथ कहाँ काटा? ये हमारी कॉमेडी बुआ जी है, जिसकी जिसकी खोज लोग काफी दिनों से कर रहे हैं, कहाँ गई? पर हमारी बुआ जी, कैसे हो बुआ? बस बढ़िया। और सब बढ़िया? सब बढ़िया। अच्छा, आज तो गाने भी हो जाएंगे जंगल में? आज गाना जंगल। हाँ, बहुत ही अच्छी आवाज है मेरी बुआ की। और जो दूसरी भाभी आती है ला मैं बुआ ना, तुम्हें पूछ ना बस। हेलो भाभी, आज आपने भी कौन सा रूप ले, ये देखो कौन सा रूप ले रखा है आपने आज? गुआनी। ये है हमारी बुआ। हेलो बुआ, कैसे हो आप? अरे ठीक है यार, सब राजी खुशी सब। अच्छा, आज हमारे साथ हमारी बुआ भी जंगल आई है। जंगल ये लाठा है, इस भी जंगल में घास लाना है। वैसे ना हमारे यहाँ के जो पहाड़ जितने भी लोग हैं सब लाठे पे घास लाते हैं। हाँ। तो बुआ जी, कितने पुले लाते हैं आप? अरे लाते हैं 7-8। 7-8? हाँ। अच्छा, देखो भाई, हमारी बुजुर्ग बुआ जी 7-8 पुले लाते हैं। 60 और 63 साल का उम्र। अच्छा, 63 साल की बुआ जी की उम्र है भाई। अब देखो तुम उम्र कैसी लग रही। हाँ, कितनी जवान लग रही। आह, झकास। एक जवान फौजी खुजा दो बुआ के लिए। एक जवान फौजी खुजा दो बुआ के लिए है। बुआ ना, बुआ भी धाकड़, फौजी भी धाकड़। चल बुआ, और कौन गाने भी होना बुआ? ना भाई, नहीं होना भाई गाना। और छी लोगो तो की मान तुम्हारे पहाड़ में? मान कुछ नहीं मान भाई। अच्छा, फिर उठी मोल गाड़ी भैंसा में बैठी हूँ। अच्छा, फिर थोड़ी देर भैंसा नाटन करी, नाटन को पोल चला।
लाठोकी ला मारी वे बात फिर गयो फिर मोल गाड़ी अच्छा तो चाय पीनी अच्छा फिर आ गई मैं रोटी नहीं खाई रोटी खाई यार मैंने दो रोटी सिर्फ दो रोटी दो रोटी घास के तो सात पोले लाए अरे आठ पोले दो रोटी सिर्फ अच्छा जैसे हमारे हर मतलब बुजुर्ग बुआ जी बड़ी जी के पाँव में दर्द हो तुम्हारे भी होता है अरे मेरे यहाँ देखो ना यार यहाँ देखो ये बहुत दर्द हो भयंकर ये देखो भाई कैसा हो रहा है बुआ के पैर बहुत ज्यादा है ये हे भगवान ये कैसे दिन दिखा दिए मैंने तो पहली बार दिखा ऐसा मेरे माँ के पैरों में भी ऐसे ही दर्द होता है मेरे लड़के के पाँव में इतना ऊंचा है इतना ऊंचा है वो भी रोता रहता है दर्द से बीमारी लाई वहाँ से हाँ मायके से देवा मेरे भाई के पाँव में भी है हैं अरे यार ये लाड़ी ये और बुआ ज्यादा दर्द बारिश में होता है कि घाम में अरे घाम में रहो तुम बारिश में रहो काम करो ना करो उतनी पीड़ा है हाँ? बस दवाई कोई आयुर्वेदिक दवाई अरे दवाई कुछ फर्क नहीं पड़ता यार दवाई अच्छा और सुनाओ तो क्या क्या हो रहा है बस और कुछ नहीं है खेती बाड़ी भी पूरी है खेती बाड़ी भी पूरी है और बजड़ा नहीं सुंगुर नहीं साफ कर दिए है साफ कर दिया है साफ कर दिया हाँ और सुनाओ तो क्या क्या हाल है तुम्हारे पहाड़ की कुछ नहीं है यार हैं और क्या है अच्छा जितनी दूर हम जाएंगे उतनी दूर आओगे आप अरे हम तुमसे आगे जाएंगे अच्छा ओहो जुनून देखो भाई हमारी पहाड़ी बुआ का जुनून देखो वही तो जिस दिन ये कॉमेडी बुआ किसी के साथ भी आए सबके चेहरे पे हंसी रहती है भाई बहुत ही अच्छी बात है बुआ जी सबको हंसाना चाहिए कभी कभी रुलाना भी चाहिए दोनों चीज जीवन में जरूरी है ना और सुना बुआ तक नहीं नहीं किसने आप कमेंट पढ़ दो बुआ जी आपके लिए इतने बड़े बड़े कमेंट आ रखे हैं सच में आ रखे हैं कभी मतलब घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज का बाकी रोना हंसना ये जिंदगी का वो है और ये भी मत सोचना कि ऋतु के ब्लॉग में गलत कमेंट आते हैं तो अगर जिस दिन गलत कमेंट आ गए बुआ जी उस दिन वीडियो बनाना ही बंद कर दूंगी ठीक है कभी गलत कमेंट नहीं आते हैं हाँ ठीक बुआ जी अभी तो तुम अपने गाने की तैयारी करो करो तैयारी करो तैयारी लव राइट आप रारी मैं ते कब जोलू ये माँ मैं ते खुद लगी गे आली पर अब चीजों के अरे और भी लगा दिया बहुत देर आवाज क्या प्यारी है यार मैं और कर जाओ मैं सिर खा को ना तो फाटे ना को मामी का दूं छी बम पड़ा था मार मैं तो मैं लगा ले पूत मुझे बार आज प्यार वेगी बल क्या ये ली जाना घर आहा वाह कैसा लगा भाभी बहुत बढ़िया अभी हमारी बुआ भी लगाई गाना हा? हाँ। हमारे फोन तरह से आपके गाने सुनने के लिए ठीक है हाँ फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग ढूंढगाड़ी के खाली में यहाँ पर हम ढूंढगाड़ी को खाली बोलते हैं हमारे हेलो भाभी कैसे हो बढ़िया ये है बुआ जी हेलो बुआ हेलो हेलो ये देखो ये है बुआ का खेत जहाँ बुआ ने रोपाई की थी भाई ये क्या हो गया क्या मैदान है कसम से हाँ क्या मस्त रोपाई की थी हमने यहाँ पे सब बर्बाद हो गया ना बहुत ज्यादा मैं खून कर रहा ना
चलिए दोस्तों निकालना शुरू करते हैं घास को। और नीचे की साइड कोई महिला नीचे की और कोई ऊपर की और, बुआ ऊपर पे निकाल रही है। हाँ ठंड में उस आटा काट दे हैं। हाँ भाई हाँ हाँ जा 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 लठा लठा लठी मार खा तो ने। हाँ मेरी कमर पीड़ा। कमर पीड़ा भाई कमर पीड़ा नकरी वाणी सट नगा रे हाँ बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण रेखा खींच दिए। हाँ लक्ष्मण रेखा खींच दी। हाँ गाड़ गाड़ तब है मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं चारों ओर कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है, कोई दिख भी नहीं रहा है और टाइम हो गया है फिलहाल घर जाने का। तो ये रहा मेरा घास का भारा जो कि मैंने लगाकर तैयार कर दिया है। और बारिश में घास का भारा काफ़ी भारी होता है। और यहाँ पर हमारी भाभी जी भी पधार चुकी है, हल्के कोहरे में साफ नहीं दिखाई दे रहा है और कोई नीचे से आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सभी घर की ओर। तो भाई दोस्तों आज सारी जगह कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है, क्या ये बताएं। ए चाची क्योंकि जब घर जाना हो तो सबको मतलब आवाज़ लगाते हैं कि घर आ जाओ घर आ जाओ, और कोई देर में आते हैं कोई जल्दी आते हैं। ए चाची अरे भा लगो चने आवा। देखिए दोस्तों आहा नीचे की ओर भयंकर ही पहाड़ है, जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं बिट्टा। तो आज जो भाभी लोग हैं वो नहीं आए थे हमारे साथ क्योंकि आज वो चले गए हैं डांडा, और आजकल आपको पता ही होगा कि खेतों का काम भी शुरू हो गया है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सीधे घर की ओर। ये मेरे फ़ोन की सेफ्टी है, थैला प्लास्टिक का थैला, इसी पर फ़ोन सेफ्ट रहते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आप सीधे घर की ओर। आज का मौसम हम इस टाइम बताए तो इस टाइम हल्की सी धूप भी लगी हुई है और कहीं से कोहरा भी आ ही रहा है, लेकिन सुबह की हम बात करें तो पूरे यानी कल रात से हमारे यहाँ, कल मान लो कि कल शाम 5 बजे से हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, जिस वजह से इस टाइम हल्की सी धूप लग गई है। देखो और सुबह के टाइम ना ही जंगल में हम वीडियोज़ बना पाए क्योंकि आपको पता होगा बारिश में कैसा हाल होते हैं पहाड़ों के, फिसलन भी ज़्यादा होती है जिस वजह से हम घास में थोड़ा सावधानी से निकालना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों बने रहे वीडियो में, वीडियो को आगे तक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों ये है हमारा पहाड़ी झंगोरा, इस टाइम आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हरा दिख रहा है, लेकिन हमारे पहाड़ के लोग इसे अभी कच्चा ही काट रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है सुंगर का जो आतंक है बहुत ही ज़्यादा है। अभी आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल हरा ही है ये झंगोरा। तो दोस्तों हमारे यहाँ झंगोरे अनेक प्रकार का होता है, जैसे इसमें से हम ये बोल सकते हैं लशिया का झंगोरा, यानी कि ये जो लशिया पट्टी है वहाँ से कोई इस बीज को लाया होगा तो हमारे यहाँ भी इसी जो ये झंगोरा इसका उपजन होता है उपजाव होता है। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कितना मस्त लग रहा है ये झंगोरा। और इसी तरह दूसरा झंगोरा होता है वो बारीक वाला होता है जिसे हम फूर मुंडी झंगोरा बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों आहा कितना प्यारा लग रहा है बिल्कुल झंगोरा का बालड़ा। तो दोस्तों ये है हमारा प्यारा सा नंदी जो कि आज लगभग 1 महीने का हो चुका है। ले ले और नंदी ले आ कितना प्यारा खेल रहा है। आहा नंदी ए नंदी
तो चलिए दोस्तों, अभी शाम के टाइम हम लोग बैठे हुए हैं अपनी जो अशोक वाटिका है उसके ठीक नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये पेड़ है इतना सुंदर। तो दोस्तों अभी भाभी से सवाल करते हैं कि कितने ज़्यादा मच्छर हैं हमारे पहाड़ों में। मच्छर तो गिनती में नहीं आते, अनलिमिटेड है, मेरे पास सबूत है उनका। उन्होंने मुझे काफ़ी काट लिया है यहाँ पे, पूरे पैर ऐसा हो गया मोटा, खतरनाक दाने हो गए इनके चक्कर में, आरू खाना पड़ रहा है। जो मच्छरों की दवा है वो क्या होती है? हमारे ये धुआं, पहाड़ी धुआं, और पेड़ के सूखे पत्तियाँ होते हैं उसका धुआं बहुत ही खतरनाक होता है, मच्छर ऐसे भाग जाते हैं। पर वो नहीं नहीं नहीं, आपके मच्छर बिल्कुल निडर हो गए, अब धुएं से नहीं भागते। अब तो जहाँ हमारी रसोई घर है जहाँ दिन रात धुआं लगता है वहाँ भी मच्छर ऐसे घुस जाते हैं। क्या करें दोस्तों हम इन मच्छरों का, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो, कोई दवाई हो आयुर्वेदिक, क्योंकि हम उनको भी खराब दवाई नहीं दे सकते ना, क्यों आयुर्वेदिक, हाँ आयुर्वेदिक दे सकते हैं, इंसानों के लिए नहीं मिल रही आजकल आयुर्वेदिक दवाई कहीं। तो दोस्तों मच्छरों के लिए आयुर्वेदिक दवा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका जो उपयोग है ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ कैसे हो आप? बहुत अच्छे। और सब ठीक? ठीक है, घर मराजी खुशी। ओ मस्त। तो ये हमारी सिंगर भाभी जी है जो कि आज काफी दिनों बाद मिल रही है हमें, तो आज हमारे घर पर हमारी भाभी जी आई है। कैसा लग रहा है भाभी आपको हमारे घर पर आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आजकल आप हमारे ब्लॉग में क्यों नहीं आते? अरे डांडा, अच्छा डांडा रहते हैं। तो कुछ ही दिनों बाद भाभी जी घर आने वाले हैं ना भाभी? अब बोला ना बोल जाओ घर गयो खोल ब्लॉग ना, बोल दे ठीक भाभी जी। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी माँ मेरे बारे में जो है बहुत ही जो मैं हूँ असलियत है मेरी वो बताना चाहती है, तो सुनिए दोस्तों क्या है मेरी असलियत। असलियत ऐसी है सुबह से शाम को गुस्सा चढ़े रहते हैं,